जो प्रारंभ का श्लोक है, तव कथामृतं तप्त जीवनं कवि विरलितं कल्मषात्मा श्रवण मंगलम श्री वदादतं तुभि विनंती है पुरीदाजना, उसके अर्थ को भी हमने जानने का प्रयत्न किया था। 86 परिच्छेद की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी, 87 परिच्छेद की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में दोपहर के भोजन के बाद भक्तों के साथ बैठे हैं, दिन के 2 बजे होंगे। शिवपुर के बावलों का दल और भवानीपुर से भक्तगण आए हुए हैं। श्रीयुत राखा, लाटू और हरीश आजकल हमेशा यही रहते हैं। राखा मैंने ब्रह्मानंद जी, लाटू मैंने अद्भुतानंद जी। कमरे में बलराम और मास्टर हैं। आज श्रावण की शुक्ला द्वादशी है, 3 अगस्त 1884 झूलन यात्रा का दूसरा दिन है। कल श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के घर गए थे, वहाँ शशधर आदि भक्त भी आपके दर्शन करने के लिए आए थे। इसकी सब बातें हम लोगों ने इसकी पिछली चर्चा में हमने विस्तृत चर्चा की। श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से बातचीत करते हैं। श्री रामकृष्ण, कामिनी और कांचन में मन पड़ा रहा तो योग नहीं होता। साधारण जीवों का मन लिंग, उदा और नाभि में रहता है। बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। नाड़ियाँ 3 हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना के भीतर 6 पद्म हैं। सबसे नीचे वाले पद्मों को मूलाधार कहते हैं, उसके ऊपर है स्वादिष्टान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जब जागती है तब वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इन सब पद्मों को क्रमशः पार करती हुई हृदय के अनाहत पद्म में आकर विश्राम करती है। जब लिंग, गुह्य और नाभि से मन हट जाता है तब ज्योति के दर्शन होते हैं। साधक आश्चर्यचकित होकर ज्योति देखता कहता है, यह क्या, यह क्या। 4 चक्र का भेद हो जाने पर कुंडलिनी सहस्त्रार पद में पहुंच जाती है, तब समाधि होती है। वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि है। इस तरह 7 भूमियां हैं, हृदय 4थी भूमि है। हृदय वाले अनाथ पद्म के 12 दल है। विशुद्ध चक्र 5वीं भूमि है। जब मन यहाँ आता है तब केवल ईश्वरीय प्रसंग कहने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। इस चक्र का स्थान कंठ है, वह पद्म 16 दलों का है। जिसका मन इस चक्र पर आया है उसके सामने अगर विषय की बातें, कामनी और कांचन की बातें होती है, उसे बड़ा कष्ट होता है। उस तरह की बातें सुनकर वह वहां से उठ जाता है। इसके बाद 6ठी भूमि का है आज्ञा चक्र, यह 2 दलों का है। कुंडलिनी जब यहाँ पहुंचती है तब ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं, परंतु फिर भी कुछ और रह जाती है, जैसे लालटेन के भीतर बत्ती। जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं, परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है, इसलिए छुई नहीं जाती। इससे आगे चलकर 7वीं भूमि है सहस्रार पद्म। कुंडलिनी के वहां जाने पर समाधि होती है। सहस्रार में सच्चिदानंद शिव हैं, वे शक्ति के साथ मिलित हो जाते हैं। शिव और शक्ति का मिलन। सहस्रार में मन के आने पर निर्बीज समाधि होती है, तो बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता। मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। इस अवस्था में रहने पर 21 दिन में मृत्यु हो जाती है। काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। तो ये निर्बीज समाधि की बात है। निर्बीज समाधि, सभी समाधि, सविकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, इसकी और विस्तार से बातें हमें राजयोग में मिलती है, पतंजलि योग सूत्र में मिलती है। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव अद्भुत पूरा का पूरा राजयोग, पतंजलि योग सूत्र बहुत ही सरल भाषा में पूरा उसका निचोड़ यहाँ बता देते हैं। पीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं और 6 चक्र हैं। 3 चक्र नीचे शरीर के नीचे के भागों में हैं, और फिर हृदय में अनाहत चक्र, गले में विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र यहाँ पर कपाल पर, और फिर सहस्रार यहाँ पर भी। कुंडली जब जाती है सहस्रार में तब जाकर के समाधि होती है। तो यह मानो जिस प्रकार से श्री रामकृष्ण वर्णन करते हैं वो तो मुहूर्त समाधि अवस्था में जाते हैं, इसलिए इतनी सरलतापूर्वक, इतनी सचोटतापूर्वक
ये वर्णन कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने षटचक्र का भेदन किया है, खुद ने किया है। तो कहते हैं सहस्रार में मन के आने पर निर्भीज समाधि होती है, तो बाह्य ज्ञान कुछ भी नहीं रह जाता है, मुख में दूध डालने से दूध गिर जाता है। ये छह चक्रों की बात है, षट चक्र है। तो ये जो चक्र है क्या, तो ये फिजिकल एनाटॉमिकल चक्र नहीं है। आप जैसे हृदय में अनाहत चक्र है, तो आप वहां पर वो उसको हार्ट को ओपन करने से उसमें पद्म नहीं मिलेगा। इट इज नॉट एनाटॉमिकल, ये स्पिरिचुअल है। तो कुछ लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, वहाँ बोले अरे कुछ नहीं है, हमने तो काट करके भी देखा, ऐसा काट करके, क्योंकि दे आर नॉट फिजिकल और एनाटॉमिकल चक्र। ये चक्र हैं वो प्रस्फुटित होते हैं, वो आध्यात्मिक चक्र हैं। तो इनका जो है वो बहुत सूक्ष्म रूप में है, तो सूक्ष्म रूप में है, पर उनको ग्राफिकली समझाने के लिए उन्होंने कहा कि दे ये कमल के फूल के समान, लोटस के समान, ये सब पद्म है, ये अष्ट पद्म, आठ पंखियों का पद्म, सहस्रार में 1000 पंखियों वाला पद्म माने कमल का फूल। तो ये उपमा दी गई, इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप वहां पर ऑपरेशन करें उसको काटें तो सहस्र पंखड़िया वाला कमल का फूल मिलेगा, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट एनाटॉमिकल चक्र, दे आर नॉट फिजिकल चक्र, ये सब है स्पिरिचुअल चक्र। तो इनकी एक अलग प्रकार की अवस्थिति है, सूक्ष्म है, जो कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को आप देख नहीं सकते, बोले इलेक्ट्रिक करंट जब नहीं दिखता है तो नहीं है, तो छूके देखो, यदि नहीं है आप बोलते हैं कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट तो दिखता नहीं है, कौन बोलता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट, जब दिखेगा तब मानेंगे, ठीक है अभी नहीं है तो छूके देखो क्या होता है। तो सभी चीजें दिखी नहीं जाती है, उसी प्रकार से ये पद्म ये देखे नहीं जाते, ये इनकी अनुभूति होती है, ये स्पिरिचुअल है, ये करंट एक एनर्जी है, इसको आप ऐसे फिजिकल आंखों से नहीं देख पाएंगे और उसको फील कर सकते हैं। छूके देखिए बड़ा धक्का लगेगा तो पता लगेगा इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं, दिखने के बावजूद भी आप वायर जो ये वायर पे हाथ रख के देखिए कैसा करंट लगता है, ये करंट कहाँ से आया, दिखता तो नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिखी नहीं, मिला तो धक्का जोड़ता। तो कहने का मतलब इस स्थूल आकार में सब चीजें दिखेगी इस आंखों के द्वारा, कभी हम मानेंगे ऐसा ऐसी बात नहीं। तो ये जो चक्र है ये भी षटचक्र की जो बातें हैं वो तो भले बायोलॉजिकल बायोलॉजी की दृष्टि से नहीं होंगे, बायोलॉजी वाले नहीं इसको स्वीकार करेंगे, परंतु पतंजलि योग सूत्र में इसकी विस्तार से व्याख्या है, क्यों योगियों ने उसका अनुभव उसकी अनुभूति की। ईश्वर कोटि और अवतारी पुरुष इस अवस्था से उतर सकते हैं, वे भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं इसीलिए उतर सकते हैं, ईश्वर उनके भीतर विद्या का मय भक्त का मय केवल लोक शिक्षा के लिए रख देते हैं। उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठी और सातवीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं। ये किसकी बात, जिनको एक बार अनुभूति हो गई, ऊपर तक पहुंचिए, सहस्रार तक पहुंचिए, षटचक्र भेद हो गया, फिर भी लोक कल्याण के लिए अपने मन को थोड़ा नीचे रखें, थोड़ा सा, जैसे श्री रामकृष्ण स्वयं उसका उदाहरण है कि वे नीचे नहीं उतर पाते हैं। हम तो बाकी सभी साधक लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं, जागो माँ कुंडलिनी, जागो माँ कुंडलिनी, माँ कुंडलिनी जागो, थोड़ा सा ऊपर जाओ, सहस्रार में जाकर नमन करो। और श्री रामकृष्ण क्या प्रार्थना करते हैं, माँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नहीं तो भक्तों के साथ बात कैसे करूंगा। अद्भुत बात, आज तक विश्व के इतिहास में हमको ऐसा कोई पात्र नहीं मिला जो जगदम्बा से प्रार्थना करे कि मुझे कुंडलिनी शक्ति को नीचे उतर, एकदम सहस्रार में रखोगे तो मैं बातें कैसे करूंगा भक्तों के साथ, संभव ही नहीं है। सहस्रार में जब मान जाता है तो समाधि अवस्था में बात होने का सवाल ही नहीं है, आप मुंह में भी जाके वो भी नहीं जाएगा, तो बात कैसे हो सकती। पकड़ा लोगों ने, स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे स्वामी शारदानंद जी, जिन्होंने राम की लीला प्रसंग पुस्तक लिखी, तो वो बहुत अच्छा एक प्रसंग उठाते हैं कि
एक बार श्री रामकृष्ण को कहा कि भाई आपको समाधि में क्या अनुभूति होती है ये तो जरा बताइए। बोले भाई वो तो तुमको जब समाधि होगी तभी होगा। एक सखी ने कहा अच्छा तेरी शादी हो गई तो पति के साथ कैसा आनंद आता है। बोले तेरी शादी होगी तो समझेगी वो मुंह से नहीं बोल सकते। अरे रसगुल्ला कैसा लगता है वही नहीं बता सकते ये आनंद कहाँ से बना। और जब ये आनंद नहीं बता सकते तो भगवान के साथ मिलन का क्या आनंद समाधि का होता क्या बताओ। पर ये तो युवक लोग थे शारदानंद जी और इनके गुरु भाई सब वो छोड़ने वाले थे ना छोड़ पा रहा नहीं आज वो छोड़ेंगे नहीं। आज आपको बताना पड़ेगा समाधि अवस्था में आपको क्या अनुभव होता है ये आपको बतानी पड़ेगा हम छोड़ने वाले नहीं। आप श्री रामकृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है भाई तो जब इतना बोलते हैं तो उन्होंने कहा देखो इस प्रकार से कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार से षटचक्र भेदन करते 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 ऐसा होता है फिर आगे चक्र में आती है तो उसमें ऐसा लगता है मानो कांच के भीतर में रखा हो तो कांच के भीतर की वस्तु है अभी मिल जाएगा अभी मिल जाएगा। और उसके बाद में जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में जब पहुँचती है तब तब बोला तो बस चुप समाधि अवस्था चले। फिर कुछ देर बाद फिर समाधि अवस्था बाद में देखे ये तो सब बैठे हैं तब तो क्या होता है आप तो बोलने ही नहीं रहे। हाँ हाँ क्या बोल रहा था बोले आई समाधि अवस्था में जब सहस्रार में जाते कहते हाँ हाँ फिर से शुरू किया और फिर जब सहस्रार में वो जब कुंडली शक्ति पहुँचती है तब फिर समाधि अवस्था अब समाधि अवस्था कौन बोलेंगे। बारंबार ऐसा हुआ फिर रामकृष्ण जो कहते देखो रे बच्चे लोग को तो बहुत प्यार करते देखो देखो रे मैं तो तुम लोग को सब बता देना चाहता हूँ सब रहस्य और द्वारा करना चाहता हूँ तो जगदम्बा मेरा मुंह दबा देती है मैं क्या करूँ। स्वामी शारदानंद जी बोले हम लोग उस समय छोटी उम्र के थे हम लोग को बड़ा गुस्सा है जगदम्बा कैसी है अरे हम लोग को ये सब पूरा बताना चाहते हैं और जाकर उनका मुंह दबा देती है और उनको बोलने नहीं देती है। बोले उस समय हम क्या जानते थे एक असंभव कार्य श्री रामकृष्ण कहना चाहते थे जो स्थिति में मन समय स्थल काल की मर्यादा के बाहर चला जाता है उस मन के द्वारा जो वस्तुएं भीतर में है स्थल काल मर्यादा की मुख से बोलेंगे कब जब वो स्थल काल की मर्यादा के भीतर आएगा मन जब मन आएगा वो समाधि की अवस्था नहीं रहेगी समाधि की अवस्था रहेगी बोल नहीं सकते हैं तो ये असंभव कार्य है। ये श्री रामकृष्ण हमको बहुत प्यार करते थे इसलिए असंभव कार्य करना चाहते तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा उन्होंने ये कहने का कि बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉन्शियसनेस में कैसे बताऊं मेरा मनुष्य में बियॉन्ड टाइम स्पेस रहता है तो मेरा मन भी भीतर में कहेगा तब तो बताऊं। उन्होंने अपनी लाक्षणिक भाषा में कहा अरे क्या करूं रे मैं तो सब बोलना चाहता हूं ये जगदम्बा मेरा मुंह दबा देती है। और ये भक्त लोग बोलते हैं जगदम्बा अच्छी है कैसी है हमारे रामकृष्ण देव का मुंह दबा देती है और वो बेचारे बोलना चाहते हैं। पर बाद में उनके साबे शारदन तो बाद में उनको पता पड़ा ये असंभव कार्य ये जो मन की परे की स्थिति है बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉन्शियसनेस बहुत सुंदर पुस्तक है। पॉल डेविस बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं हमारे आज के आधुनिक युग के सबसे बहुत बड़े वैज्ञानिक पॉल डेविस तो उन्होंने पुस्तक लिखी है द माइंड ऑफ गॉड किताब का नाम है माइंड ऑफ गॉड। तो उन्होंने कहा कि अब बस हमको तो मन को भगवान को जानना ही कैसे भी करके हमको जानना है तो बहुत सारा रिसर्च कर करके सब बातचीत करके बाद में कहा अब मैथमेटिक्स के अनुसार गणित के अनुसार इन्फिनिट बहुत हो सकता है ऐसे तो इन्फिनिट एक के बजाय हो ही नहीं सकता अनंत अनंत एक से ज्यादा नहीं हो सकता पर मैथमेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिट हो सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी कल्पना की जितने इन्फिनिट नंबर्स हैं इन्फिनिट नंबर्स इन सभी इन्फिनिट नंबर को मिला करके एक एब्सोल्यूट बनाया एक एब्सोल्यूट संख्या उसका नाम दिया कैंटर्स एब्सोल्यूट CNTOR कैंटर्स एब्सोल्यूट। अब ये कैंटर्स एब्सोल्यूट को यदि हम जान लेते हैं तो सभी इन्फिनिट को जान लेंगे और सारा भगवान का रहस्य मिल जाएगा क्योंकि कैंटर्स एब्सोल्यूट इक्वल टू गॉड बस बहुत सिंपल है। अच्छा अब कैंटर्स एब्सोल्यूट को जानने के लिए प्रयत्न किया नहीं हो रहा है क्यों
फेल हो रहे हैं। क्यों? अंत में लिखते हैं, लास्ट में पॉल डेविस खुद लिखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो कैंटस एब्सोल्यूट। व्हाई? बिकॉज द कैंटस एब्सोल्यूट कंटेन्स द माइंड ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू नो द कैंटस एब्सोल्यूट। अब जो भीतर में है उसको बाहर से कैसे जानोगे? कैंटस एब्सोल्यूट सारे विश्व को जितने इन्फिनिट मिला करके जब कैंटस एब्सोल्यूट बनाया गया है, कल्पना की गई, तो उसमें जो कैंटस एब्सोल्यूट को जानने का प्रयत्न कर रहा है उसका मन भी कैंटस एब्सोल्यूट के भीतर है। तो जो कैंटस एब्सोल्यूट के भीतर है उसके द्वारा कैंटस एब्सोल्यूट कैसे जानेगा? लास्ट में लिखते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ गॉड बाय एनी साइंटिफिक प्रोसेस, बाय मैथमेटिकल प्रोसेस। परहैप्स द मिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वेयर बाय यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड। मिस्टिकल प्रोसेस मतलब यही जो श्री रामकृष्ण ने बताई, कुंडली शक्ति जगेगी, षटचक्र भेद करेगा, समाधि अवस्था में जब जाओगे मन समय स्थल काल मर्यादा के परे जाएगा, उस एब्सोल्यूट के साथ एक होगा। परंतु फिर कौन किसको जानता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म ही बन जाता है। और फिर ब्रह्म को बनने के बाद उसमें जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं 21 दिनों के बाद शरीर चला गया, कौन किसको बताएगा? कहा श्री रामकृष्ण देव अपनी भाषा में इतने सुंदर तरीके से बताते हैं, एक नमक का पुतला समुद्र में कितनी गहराई है इसको जानने के लिए फूट पट्टी के साथ गया है, नमक का पुतला गया तो वापस ही नहीं आया। क्यों? अब वो जैसे अंदर गया नदारा मिल गया समुद्र के साथ। उसी प्रकार से जो समाधि अवस्था में जाता है फिर वो वापस नहीं लौट, शून्य शून्य मिली लो। बहुत सुंदर श्री राम स्वामी विवेकानंद ने खुद ने गीत बनाया समाधि की अवस्था, उनको कुछ समाधि का वर्ण जो अनुभूति हुई थी उनको, उसको उन्होंने उस बंगला काव्य में उसको प्रकट करने का प्रयत्न किया, ओनली अटेम्प्ट। शून्य शून्य मिला ही लो, बोले शून्य शून्य मिल गया, ये उनको उस समय अनुभव हुआ जब समाधि अवस्था। और सचमुच में देखते हैं श्री रामकृष्ण के पास दूसरी मुलाकात में ही श्री रामकृष्ण उनको स्पर्श करते हैं और सारा शून्य में विलीन हो रहा है। हर बार उनके माता पिता तक्षशिला बगीचा पूरा विश्व घूम घूम करके शून्य में विलीन हो रहा है और ये चिल्ला कर बोलते हैं, अरे क्या कर रहे हो, मेरे माता पिता जो है। श्री रामकृष्ण फिर बोले, अच्छा फिर रहने दे, अभी देर हो गए। फिर से स्पर्श किया, जैसा था ऐसा हो गया। तो बाद में जब समाधि की अवस्था हुई तो फिर वही लिखते हैं, समाधि की अवस्था का वर्णन करते समय शून्य शून्य मिलाई लो, शून्य में शून्य विलीन हो गया। तो पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इन्फिनिट से इन्फिनिट निकालो तो इन्फिनिट रहेगा, शून्य में से शून्य निकालो शून्य रहेगा। तो यह जो निर्विकल समाधि इसका वर्णन संभव नहीं है, श्री रामकृष्ण भले कितना भी करे पर हमको यहां तक तो बता दिया, षट चक्र तक बता, सहस्रार्थ तक पहुंचा दिया थ्योरेटिकली, अभी प्रैक्टिकली परंतु बता दिया कितने चक्र कैसे होते हैं, फिगरेटिवली बता दिया क्योंकि वो उन पर आवागमन करते हैं। पर यह अद्भुत बात, पहली बार हमको विश्व में एक ऐसे महापुरुष मिलते हैं कि जो बाकी सभी लोग उस समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए हजारों जन्मों से प्रयत्न करते साधना करते तब जाकर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, और श्री रामकृष्ण और सभी लोग बोलते हैं जागो माँ कुंडलिनी, माँ कुंडलिनी जागो, हे माँ कुल कुंडलिनी जागो जागो जागो, ऐसी प्रार्थना करते हैं सभी लोग। और श्री राम कहते हैं, हे माँ नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर, ऐसी समाधि अवस्था में बाकी बात कैसे करूँगा भक्तों से। ये अद्भुत बात, श्री रामकृष्ण देव की समाधि की अवस्था उनको इस प्रकार से समझा सकते हैं क्योंकि वो खुद उस पर गए हुए हैं। बहुत इसके बाद भी और साकारवादी निराकारवादी की सब बातें होंगी, ये सब हम अगले रविवार को करेंगे, आज ही समाप्त।